नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सृष्टि अपनी बहन प्रीता को भी समझा रही है कि करण ने तुम्हें देख लिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा फिर से उसी घर में पहुंचो कि जिसने सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख दिया था, आखिरकार तुम जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रीता को पूरा समझाने का प्रयत्न करती हुई नजर आ रही है आखिरकार दोस्तों सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का मानना यह है कि हमारे साथ में क्या कुछ नहीं किया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय कई मायने देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए तो सृष्टि का मानना यह है कि वो लूतराज हैं, उन्होंने पहले भी हमारे साथ में बहुत कुछ किया है और मुझे डर है कि वो फिर से हमारे साथ में कुछ बुरा ना कर दें। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए सृष्टि की तो सृष्टि का मानना यह है कि लूतरा परिवार पहले भी गद्दार था और अब भी वो गद्दार ही है, इससे अच्छा है हम ना जाएं वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रीता का मानना यह है कि हमें जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, निधि भी इस समय पूरी तरीका से अलर्ट पर है, क्योंकि निधि की सोच और क्षमता बिल्कुल इस समय अलग हो चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी एक नहीं बल्कि समय विषम परिस्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में बेहद ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आखिरकार पूरे परिवार को अब सृष्टि और प्रीता मिलती हुई नजर आने वाली है और निधि का यहाँ से निकलना बिल्कुल जायज है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।